ऐसी बोल रहा गाँव भी तो कैसे मेले में ले आने यार अरे खटाक तोड़ रहा है मुंह में डाल के ऐसे कह सिकल हेलो जी गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज सुबह होगी एंड आज हमारा नेक्स्ट डे उत्तराखंड में। तो भाई अपने गांव पीछे देख सकते हो मेरा कार घर दिख रहा होगा। तो भाई मैं नीचे की साइड थोड़ा इंट्रो शूट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मम्मी फ़ोन में बात कर रही है तो मैं इंट्रो शूट करने के लिए आऊँ। देखो आँख भी नहीं खुल रही, इतनी तगड़ी धूप आ रखी है ना, सुबह के 9 बज रहे हैं। ये देखो कितनी तगड़ी धूप आ रखी है ये भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन इतनी रात में ना इतनी ठंड हो गई थी, क्या बताऊँ तुमको भाई। ये देखो फुल पहन रखा मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। लेकिन इतनी ना यहाँ पे गर्मी नहीं है, ठंडी ठंड है। तो भाई मैंने आज से सोचा है कि डेली व्लॉग करना स्टार्ट कर दूँ। तो भाई आज से डेली व्लॉग आएगा, याद रखे यार। टाइम तो मैं तुम्हें फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन बस ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई आ सकता है, क्योंकि यहाँ में ना नेट की प्रॉब्लम है। तो कैसे डालेंगे क्या डालेंगे वो देख लेंगे, किसी से वाईफाई व्यक्ति बात करेंगे या तो वैसे कुछ कर लेंगे। तो भाई अब देखते हैं, फिर आज से डेली व्लॉग आएगा। तो फिर अभी तो सुबह 9 बज रहे, मैंने मुंह हाथ भी नहीं धो रखा। पहले मुंह हाथ धोता हूँ फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको। मेले में ले आने यार। अरे सही बता रहे, मेरी खराब हो गई, मैं पहन दूंगा गाँव में। अरे सही मैंने गलती से बोल दिया, ले आना यार, समझा करो। मैं पहन दे दूंगा अभी 10 रुपए फालतू ले आना। लेकिन भाई शाही भाई पी ली थी, अब फिर से बेड पे आ गए। अभी तो बेड ही पे थे इतनी देर से और अब फिर से बेड पे आ गए। भाई यहाँ तो बिल्कुल नींद आने जैसा हो रखा है। और भाई ये देखो कुछ घर की हालत ऐसी हो रही है, तो अभी इसको बेड को सही करता हूँ। और दीपू भाई, दीपू कटअप कटअप भाई, ये कट नहीं हो सकता। तो भाई देखो कितनी धूप आ रही है, देखो जो भाई बहुत ज्यादा ही धूप है। तो भाई बाहर तो बिल्कुल जाना नहीं है भाई, बहुत काले हो जाएंगे। तो अभी तो मैं कमरे पे, तो थोड़ा डीजे ये रहना अपना स्पीकर, तो ये रहे, तो इनको चलाते हैं, फिर थोड़ी देर काम वाम करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे। तो भाई अंदर से तो कुछ ऐसा घर है, ये तो मैंने वैसे दिखा ही रखा आपको। तो इसमें भी कुछ सरप्राइज होने वाला, तगड़ा होने वाला है, कुछ चेंजेस आएंगे कुछ कल ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, कुछ चेंज आने वाले। तो अभी किचन में जाता हूँ, चाय भाई तो पी लिया अपने, ये रख रखिए। तो दीपू तो मुंह हाथ धो रहा है, मम्मी बाहर है, पापा ऊपर गए हुए, तो फिर मैं थोड़ा। तो गाइस अभी आपने देखा था कि भयंकर घर पूरा गंदा सा हो रहा था। तो भाई देखो अब देखो कितना मस्त कर दिया, ये देखो नीचे भी सारी सफाई हो चुकी है और देखो बेड कितना अच्छा कर दिया। मम्मी किधर गई है, लेकिन मम्मी नहीं बाहर ना, ये देखो चावल और गेहूँ रख के गई है देखो बाहर। और इधर लहसुन वसन होंगे क्योंकि ये गीले हो गए थे तो इसलिए सुखाने के लिए रख रखे हैं। तो ये देखो दीपू भाई ये जब से भयंकर हो गया भाई, वो देखो वहाँ से कितना अच्छा लगता है पहाड़ देखने में। ये देखो यहाँ पहाड़, कहाँ जा रहे हैं देखियो, कहाँ जा रहे हो फेंकने के लिए इतनी नीचे हाथ पे भी लग गया क्या? ओहो कांटे लग गए, मैं दिखा रहा हूं छिल गया ऐसे करके। क्या बात कर रहे हो, अरे कह रहे हो आजम भाई, कौन बंदर देवदा दिखानिया बल बम फोड़ दो देवदा कह रहा है। आजम आजम भी नहीं हो रहा, कह रहे बंदर ले जा रहा सामने और कह रहा है ऐसे से खटाक तोड़ रहा है मुंह में डाल के ऐसे कह रहा है सिकल दे। ये देखो गाइस खाने के टाइम पे बन रही है मैगी, एक का तो मैगी बना हुआ कुकर उठा के ले जाके कुकर में ऐसे करके खा रहा है। अरे मैगी यार बना के बोल रहे कह रहे वो बना के इंसान बन गए क्या, वो बन गए वो कह रहे है। देखो किचन का दरवाजा खोल के मुंडी भी लगा रखी हो ना,
खोल के अंदर जाके खा पी के बाहर ये सब नकली कह रहे दिखा दो एक बार मैं दिखाओ तो हैं गा के भी एक बार डांस करके देगा दिखाओ वो भी दिखाओ अरे मैं दिखाओ ना एक बार जल्दी जल्दी करो मम्मी जल्दी गाओ भी तो कैसे अरे शर्मा क्यों रहा शर्मा क्यों रहा है दिखा रहा शकल तो दिखाओ अभी कहा से अभी डांस देखा था तेरा डांस देखा भी हमने तेरा कर मम्मी एक बार और दिखा दो तू करे तू कैसे करेगा उस दिन डांस तो बता हैं अरे अरे दिख गया ये अलग है एक बार तो दिखाते डांस एक बार एक बार दिखाते थे एक बार रात में रात को नहीं अभी खाएंगे अरे दिखाना एक बार इस दोपहर में खाना खा के सो गए थे फिर उसके बाद अभी जाके उठाऊं 5:30 हो गए तो भाई मुंह हाथ धो के अभी रेडी होके हमें ना क्या करना है घर पे ना पेंट करना है बैक साइड देख सकते हो ये है घर तो इस पे ना पेंट करवाना है तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पापा पूता क्या कहते हो उसको हाँ भूमिया मंदिर है वहाँ पे तो वहाँ पे जा रहे हैं हम पेंट वेंट लेने के लिए चारों लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे अभी पेंट वेंट लेके फिर कल पेंट होगा ना हमारे घर पे तो कल के लिए पेंट लेने जाना है तो मौसम की बात करो तो भाई एकदम बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो गया हवा भी बहुत खतरनाक चल रही है तो सारे लोग जा रहे हैं अभी हम तो फिर चलते हैं रोड पे तो गाइस ये देखो इस तरीके का घर है पेंट करवाना है देखो कैसे वो खड़ रहे हैं इसमें से मिट्टी तो भाई इस पे बिल्कुल मस्त सा कलर हो जाएगा कल शायद ये भी हो या कौन सा हो कल दिखाएंगे आपको तो पेंट हो जाएगा ना तब और तगड़ा लगेगा तो फिर अभी पेंट वेंट लेके आते देखो जी देखो गाइस देखो कितना खतरनाक लगता है यहाँ से सामने वाला गाँव भी दिख रहा है इधर से ये देखो तो इस रास्ते से जा रहे शॉर्टकट चलते हैं इस रास्ते से हम आए नहीं वैसे तो कितनी जल्दी पहुंच चुके हैं नीचे रोड पे यहाँ से फटाफट चल रहे हैं ये मुड़ा भी नहीं जा रहा कूद जाओ ये देखो क्या नजारा है पीछे गजब वो देखो उधर कैसा हो रहा है बादल ऊपर ए रामनगर वाली बस जा रही है दीपू ये देख चमोटे जा रही होगी चलो 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 कैसे कैसे रास्ते हाँ भाई कैसा उब तुरंत ही कुछ हो या ना हो पहली थूक दो एक बार और थूक दिया
दीपू मम्मी दीपू को तो देखो ये गुस्से में क्यों चल रहा है, अकड़ क्यों गया एक ही साइड है आई ढंग से तो चल रहे पहले वही तो आ गए गाइस, आ गए सड़क पे आ चुके हैं। अब पैदल पैदल यहाँ से चलते हैं, थोड़ा आगे तक है भूमि मंदिर तक, वहाँ पे चलते हैं पैदल पैदल। चिनोनी गांव है ये वाला, मार्केट आगे से दिखाऊंगा आपको। तो अभी चलते हैं पैदल पैदल धीरे धीरे धीरे। देखो सबसे आगे पापा लगे हैं, मम्मी दीपू और फिर मैं, सबसे पीछे मैं। चलो चलो। ओ मम्मी कैमरा कहाँ था यार, मैं कैमरा ही लाने के लिए कह रहा था दीपू से। बक्से में आप, बक्से में से निकालूंगा। धूप आ गई क्यों, खोना मत दीजिए। नहीं खो रहा ना, चाबी खोने वाले भी नहीं है, खुलने वाले भी नहीं है तो मेरे को क्यों दे रहे हो फिर, इसको दो ना दीपू को, मेरे हाथ में और थमा दी। खुलने वाले भी नहीं है। राइडर देखो पीला कलर कितना अच्छा लग रहा है, और लाल बाउंड्री अभी दिखा, अभी देखते ना आगे आगे चल के, और घर भी तो बहुत सारे घर है, पीला ही कलर करते हैं लोग, और कोई कलर भी देख लेंगे। तो वो वाला देखो ना, ब्लू वाला उधर। अरे और कोई कलर देखते हैं ना। ग्राम चिनोनी ये है गांव चिनोनी का, भाई पूरा ये गांव है चिनोनी का। ये देख सकते जो भी चिनोनी का है वो देख सकता है अपना गांव। ये सारा चिनोनी है, तो देख लो अपना गांव जिसने नहीं देख रखा। तो भाई काफ़ी टाइम बाद मतलब इस राउंड इस रास्ते पे पैदल पैदल चल ले, अच्छा लग रहा है। वैसे वैसे पैदल चलते नहीं हम दिल्ली पे, भयंकर हर चीज़ के लिए बाइक निकालो बाइक निकालो, तो यहाँ पे तो पैदल से ही करना पड़ता है रास्ता। ये देखो आगे को चल रहे हैं, यहीं को मम्मी का घर भी है, वहीं को धीरे धीरे चलते जा रहे। दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ से मम्मी का घर का कट है, ठीक है। नींद आ रही यार खतरनाक, सोते ही रहो। किसने झूठ के मैं खराटे तो गाइस चश्मा पहन चुका हूँ, बहकर आग खुल नहीं रही है वीडियो के टाइम पे, चश्मा पहन के वीडियो बना पा रहा हूँ। और ये देखो सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे आपने, मैंने इधर के दिखाए आपको। अभी बहुत तगड़ी धूप आ रही है, अभी तो बिल्कुल छाया सा हो गया था, बारिश का मौसम, अब तो फिर से धूप, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मौसम चेंज होता जा रहा है, बस बारिश ना आए ये सही है। तो गाइस ये है वीर शिवा स्कूल जो चिनोनी से आगे है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं छोटे बच्चे, और बस बस भी है यहाँ की, तो बहुत बड़ा स्कूल है देख सकते हो आप। ये देखो ये जस्ट चिनोनी से आगे है ये थोड़ा, तो यहाँ पे देखो काम भी चल रहा है शायद, और भी बन रहे हैं क्या। हाँ बिल्कुल ब्लू कलर का स्कूल लग रहा है ब्लू। तो मम्मी का इस पहुँच चुके हैं गर्जा मंदिर रानी माता, ये है देवभूमि का भूमिया मंदिर। तो क्या इसमें कौन सा रहेगा देखो, लो इसको तो पकड़ो। यहाँ से मम्मी का गांव का रास्ता भी है, देखो यहाँ से कट है, जितना पैदल चल के दिखाया था मैंने आपको इतना तो है, और यहाँ से फिर और आ गए मम्मी का घर पास में ही है, मतलब इतने पास रहती है मम्मी। और तो गाइस ये देखो ये पेंट के लिए आए हुए, ये पेंट वेंट के बारे में पता करते हैं पहले क्या है क्या नहीं, कौन सी कंपनी का है क्या है पूछते हैं। देखो यहाँ गई थी ना, तो गाइज ले लिया पेंट वेंट यहाँ से फटाफट, और भाई 5:30 बजे से आए हुए थे, 7 बज चुके हैं लेते लेते पेंट, और भाई हालत ख़राब हो गई, खड़े खड़े यहीं पे खड़े थे बहुत देर तक। ये देखो पापा मम्मी दीपू लेके जा रहे हैं, मम्मी तो तेल लेके जा रही है सर पे,
तेल भी लेना था ना हमें, तो तेल भी लेके जा रहे हैं। तो वहां से तो लिया नहीं था क्योंकि भाई बस में जगह नहीं थी ना बिल्कुल भी, तो यहाँ से लिया तेल। तो भाई 7 बज चुके, पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका है, देखो पूरा अंधेरा अंधेरा होने वाला है। तो फटाफट निकलते हैं यार घर के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर अंधेरा हो जाएगा भयंकर। तो चलते हैं फिर फटाफट, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा कि पेंट में क्या क्या ले रखा है। तो भाई कल पेंट हो जाएगा, कल सुबह सुबह ना वो जो पेंट करने वाले हैं वो भी आ जाएंगे, सुबह 7-8 बजे के टाइम पर आ जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ वैसा कलर वलर लेके आए हैं, जो प्लास्टिक पेंट होता है वो वहीं पर है, जो बाल्टी है बहुत भारी थी वो, तो वो लेके आ जाएंगे भैया जो पेंट करने के लिए आएंगे। तो फिर चलते हैं फिर हम। कैसे भग रहे हो ये? बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, देखो कैसे ले लिया मेरे कट्टा भाई, बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी है, मतलब जो इसमें पेंट वेंट है ना, जो कलर वलर है वो बहुत ज्यादा भारी है। तो उठा रहा हूँ धीरे धीरे, चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। गाड़ी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, शाम के टाइम पे कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही पैदल चलते रहो। तो अभी देखो पूरा अंधेरा हो गया, ये देख सकते हो, ये इधर के रास्ते से आए थे अभी हम शॉर्टकट, अब इधर से नहीं जा रहे, अपने वाले रास्ते से चलते, अपने वाले रास्ते से चलते फिर घर पहुँचते। शायद 7:30 हो चुके हैं, चाय वाय कुछ नहीं पी रखी है, तो फटाफट चलते हैं घर के लिए। थक गए यार, थक गए, ये वाली बात है। तो चल रहे फिर धीरे 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 चलते चलते चलते, सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ। तो मैं जैसी थोड़ी देर, अभी देखा आपने पापा कैसे भग रहे थे धीरे धीरे, टुक 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 भग रहे, वो बिस्कुट लेने के लिए गए थे ना इसलिए। देखो अपने रास्ते, अब चलते हैं यहाँ से, कठिनाई अब होगी भाई, वर्कआउट इस कट्टे को ले लेता ऊपर, अब देखना हालत ख़राब होगी। अब चलते रहो, अब लगेगी ऊंचाई, उस साइड से तो शॉर्टकट आ गए थे, अब सीढ़ियाँ देखना यहाँ पे ऊंचाई, वो देखो उधर पूरा अंधेरा हो गया भाई, पूरा यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता ना। तो चलो जल्दी भाई, इस चीज़ की बात अलग है, कुछ रेस्ट लेते हैं फिर यहाँ से, तो यहाँ लेते हैं रेस्ट, रुको 2 मिनट भी बैठे नहीं, उसके बाद फिर से चलो, फिर ले लो ऊपर, चलो चलो धीरे धीरे, 2 मिनट भी नहीं बैठे यार, बस तुरंत ही भयंकर उठा दिया। चल अंधेरा ज़्यादा हो गया ना इसलिए, हम लोगों को आदत नहीं है यहाँ की, तो फटाफट चलते ऊपर। हाँ कैसा उजाला सा, आप देखो कितना अंधेरा हो गया फुल। तो गाइस फाइनली बिल्कुल पेंट वेंट लेके आ चुके हैं घर पे, और जो कलर वलर था सारा कुछ लेके आ गए। तो भाई 7:30 हो चुके हैं, तो भाई इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो विक्की ब्लॉगर नाम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल हमारे घर में पेंट होगा, वो दिखाएंगे आपको। तो बाय बाय।